एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज एक नए ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूं। और आज कहां हूं मैं? आज हूं मैं अपने घर पे कासगंज में। और क्यों अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज बाहर क्या हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं बाहर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये देखिए साहब, क्या बात है, वाह भाई वाह, तो बड़ा ही अल्टीमेट मौसम हो रहा है। बारिश देखिए कितनी प्यारी हो रही है, वाह ये देखें। और बहुत ही अच्छा और ठंडा सा मौसम हो गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, नहा के आया हूँ और देखता हूँ कि बाहर ये सरप्राइज है, तो कितना अच्छा लगता है यार घर के बाहर कुछ ऐसा सा व्यू हो, है ना। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या क्या होता है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, तो अभी तो बारिश का मज़ा लेते हैं और अभी ब्रेकफास्ट भी करने जा रहे हैं। देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है, तो कुछ स्पेशल होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, देखते हैं। आप हमारे साथ एंजॉय करिए, चलिए चलते हैं। बादल तो और ज़्यादा काले हो गए, वो देखिए हमारे यहाँ का लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा दिख रहा है आपको। कासगंज का लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा है। बारिश लगातार चलती हुई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो फिर चाय और पकौड़े होने चाहिए यार, गलत मत सोचना। तो अब करने जा रहा हूँ मैं नाश्ता, ये रहे गर्मा गर्म पराठे। और ये देखिए बहुत अच्छा टेस्टी सा ये है मटन, और अभी इसको टेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी देख लीजिए बड़ा टेस्टी है, यहाँ पे बड़ा टेस्टी मटन मिलता है। कौन पहन लिया? अच्छा तुमने कब देखा उसको कपड़े पहनते हुए? यहाँ तो कोई भी नहीं कपड़े पहने। अच्छा देखिए साहब, यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, ये भी बारिश में। हाँ कहाँ जा रहा है? उत्तरी घर में अंदर गया। अरे नहीं निकल आया। किसको किसको खिलाओगे? दाना खिलाओगे? किसको? कुत्ते को? तो कैसा कुत्ता है, छोटे सी? अच्छा तो ये तो अकेला है यहाँ पे, इसके मम्मी कहाँ है? है इसकी मम्मी? अच्छा अच्छा कहाँ है, कहाँ है छोटी सी कुत्ता? अच्छा ये है छोटी सी कुत्ता। अच्छा इसको फोटो खिंचाती हो? फोटो खिंचाती फोटो खिंचाते। अच्छा गाइस अभी हो चुकी है शाम और पापा बाहर से अभी लेकर के आए हैं, ये देखिए लाला रोशन लाल जी के यहाँ से प्रीमियम घेवर। और आप इसकी पैकिंग देखो कितनी मस्त पैकिंग है। और हमारे यहाँ का ये कहीं ना कहीं सबसे पुराना और सबसे टेस्टी ये स्वीट्स बनाते हैं। और देखिए पैकिंग देख करके मज़ा आ गया, अभी इसको निकालता हूँ एक बारी। ये देखिए इस तरीके की इसकी पैकिंग है और इस पर सारा कुछ लिखा रहता है, डेट ऑफ पैकिंग और कब तक कंज्यूम कर लेना है। आप देखिए मतलब स्टैंडर्ड पैकिंग का बहुत अच्छा है। और एक बारी इसको ओपन करते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ कि कैसा है। गाइस अभी इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको शो करता हूँ कि कैसा है, टेस्ट करके बताता हूँ। आज एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया, बारिश तो काफ़ी हुई, मौसम अच्छा है, बट थोड़ा सा कुछ लाइट का फॉल्ट हो रखा है, तो इस वजह से लाइट थोड़ी कम हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो आप इसको क्लोजली वॉच करोगे तो मज़ा आ जाएगा, वाओ। तो अभी इसको जल्दी से करते हैं टेस्ट और मैं बताता हूँ कैसा है। देखिए ये इतना टेस्टी लग रहा है देखने में, अभी इसका एक छोटा सा बाइट मैं लेता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे, बहुत ही टेस्टी है। और मतलब स्वीट्स के मामले में कासगंज में कहीं ना कहीं मैं ऑन टॉप कहूँगा। अगर आपने कभी नहीं खाई, अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर खाना, और बहुत ही टेस्टी है। इसको फिनिश करते हैं, मैं खाता हूँ जल्दी से और फिर मिलता हूँ आपसे आगे। ये देखिए ये बैठे हैं पापा और ये रही सोनाली,
और ये रहे सोनाली के पापा जिन्होंने अभी वीडियो बनाया था मरियाने उस है ना। तो अभी हम सारे बैठे हुए हैं और सारे के सारे साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और स्वीट्स तो भाई साहब मज़ा ही अलग है। थैंक्स टू पापा, वो लेकर के आए अभी और दिल खुश हो गया खा करके। और जो भी कोई इसमें देख रहा है कमेंट करके बताना किसको खाना है तो मैं दिल्ली लेकर के आऊँगा। जो भी लोग टच में आ सकते हैं तो उनको ज़रूर खिलाऊँगा। पापा यहाँ पर शूज़ चेकआउट कर रहे हैं, ये देखो शूज़ ख़रीदने की तैयारी हो रही है, कुछ मूड बना रहे हैं। देखते हैं कौन सा पसंद आता है। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और देखो आप क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम हरा भरा खुले खुले नज़ारे और बारिश होने के बाद कितनी ग्रीनरी, कितना अच्छा सुहाना सा हो जाता है ना मौसम। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे इज़ मॉर्निंग और आज देखते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। आज कुछ स्पेशल कुकिंग का प्लान है, सबकी डिमांड थी कि आज कुछ बनाया जाए तो आज मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं होता है, ब्लॉग मज़ेदार रहेगा। आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पीछे जो है यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, उनकी आवाज़ पीछे आ रही होगी तो बंदर यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आतंक मचाते रहते हैं। कल मैंने आपको कल की क्लिप में दिखाया भी था तो बंदर यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अभी छत पे आया हुआ था थोड़ा सा मौसम का मिजाज लेने के लिए, तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है, लेट्स गो। तो गाइज आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है, गर्मा गर्म आलू के पराठे और ये रही मेरी चाय। और मुझे स्पेशली चाय के साथ जो है, मतलब चाय के साथ नहीं पराठे के साथ जो है वो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नाश्ते में ज़रूर मैं चाय लेता हूँ। तो अभी जल्दी से इसको खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। एक्चुअल में मुझे गाड़ी की सर्विस कराने भी जाना है तो अभी नाश्ता करके निकलते हैं फटाफट। तो भाई नाश्ता वाश्ता करके हो गए फिट और अब जा रहे हैं गाड़ी का कुछ काम कराने, छोटा मोटा सर्विस कह लो आप, सर्विस कराने जा रहे हैं, ऑयल वगैरह चेंज कराना। तो अभी मैं और पापा निकल रहे हैं और जाएंगे और फिर देखिए आप कैसे होती सर्विस। ये आ गए पापा, क्या हुआ? तो गर्मी हो रही थोड़ी सी, चलते हैं और देखते हैं आगे। तो ये है हमारा कासगंज और ये है मेन चौराहा, यहाँ से बस वगैरह क्रॉस होती है, ये मेन हाईवे है, ये सीधा दिल्ली तक जाएगा और यहीं पे आगे जा कर के हमें जो मैकेनिक्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। तो गाड़ियों का ज़्यादातर काम जो है वो वहीं होता है और सारे पार्ट्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलते हैं और दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी और सस्ती सर्विस हो जाती है क्योंकि आप जानते हो दिल्ली वाले स्मार्ट होते हैं इसलिए चलिए चलते हैं। इस देखो अभी सर्विस स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर गाड़ी का ओपन कर दिया है बोनट और अभी यहाँ पर ये गाड़ी के फिल्टर्स ओपन कर रहे हैं। और अभी मैं ये ऑयल लेकर के आया हूँ, ये कैस्ट्रोल का और ये सिंथेटिक ऑयल है, इसको बोलते हैं कि ये 10,000 किलोमीटर तक चल जाता है तो इसको ही डलवा लेते हैं, लॉन्ग टर्म में काम करेगा। और अभी इसमें ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर चेंज होगा और इंजन ऑयल हम चेंज करा रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में चलती रहे। ये भाई ये लोग कर रहे हैं काम अभी। और यहाँ पर देखिए ये भी गाड़ी जो खड़ी है सर्विस के लिए खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये हमारे भैया कर रहे हैं यहाँ पे सर्विस। और ये वो शॉप है गाइस जहाँ से मैंने जो है अपना ऑयल वगैरह लिया है, अभी बाकी के पार्ट्स लिए हैं और यहाँ पे हो रही है सर्विस। तो गाइस अभी हो गई है सर्विस और हाल देख लो पसीने कैसे आ रहे हैं, गर्मी बहुत अच्छी है। पापा साथ में हम लोग जा रहे हैं गाड़ी धुलवाने तो फटाफट से साफ़ करा लेते हैं और गाड़ी बहुत अच्छे से सर्विस हो गई है, एकदम शांत हो गई है और चलते हैं और गाड़ी को धुलवा लेते हैं। ऑयल से कितना फ़र्क पड़ता है, वही तो। और मैं जो हमारे मिस्त्री साहब थे उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ, ये रहे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और बाकी अगर आप भी कासगंज जाते हैं तो इनसे काम करा सकते हो, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करते हैं। गाड़ी हो चुकी है धुल के रेडी और अभी पूरा कपड़ा वगैरह मारा जा रहा है और बड़ी अच्छी लग रही है और हम निकलते हैं अब घर पे। तो गाइस हो चुका है शाम का प्रोग्राम स्टार्ट और मैं आ चुका हूँ किचन में, डेगची चढ़ा दी है तो आप समझ गए होंगे क्या बनने वाला है और मैं क्या बनाता हूँ, आप वो भी आपको पता ही है। तो अभी बनाते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको नहीं शो करूँगा बिकॉज़ उसके लिए मैंने एक सेपरेट व्लॉग बना रखा है, पीछे मैंने कुछ दिन पहले डाला है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको बिरयानी बनाना सीखना है तो मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन बिरयानी मुरादाबादी,
और अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आगे आपको शो करूँगा फाइनली सब कुछ बनने के बाद। तो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि मैंने बाकी का प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी वो दिखा चुका हूँ, तो बार बार क्या दिखाना। तो अभी बिरयानी पे एक लुक मार लेते हैं, ये देखिए। तो अभी ऑलमोस्ट डन है, अब मेरे को इस पर दम लगाना है और हमारी बिरयानी तैयार है। तो भाई हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है, पर खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं जल्दी से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देख लीजिए फाइनल आउटकम ये आया है। और बिरयानी लवर्स बताइए कि कैसा है। अब फाइनली सब कुछ तैयार है, अब टेस्ट करने वाले टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। गाइस फाइनली पापा की बिरयानी आ चुकी है उनके पास और अभी वो टेस्ट करने जा रहे हैं और हमें बताएंगे कि कैसी बनी है। बस राधा वाली बिरयानी जो है मैंने पहली बार टेस्ट करी है, बड़ा मज़ा आ गया, आ गया बेहतरीन टेस्ट। अरे वाह, चलिए भाई पापा ने पास कर दिया, दैट मीन्स बढ़िया बनी है। तो गाइज लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको देखने में कैसी लग रही है, और कभी मौका लगेगा तो आपको भी बना के खिलाएंगे। सो गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर जल्दी से आगे मिलते हैं। और कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होने वाला है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो आप वेट करिए और मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियोज़। चलिए बाय बाय।